तो गाइस हम अभी आ चुके हैं वही वायरल डांसर स्नेहा रॉय के घर पे। और स्नेहा रॉय का देख सकते हैं आज यहाँ पे शादी हुआ। और शादी देखिए इधर स्नेहा रॉय है, थोड़ा इधर आइए स्नेहा जी। देखिए दुल्हन बन चुका है और ये इसका शादी हुआ है और इनका दुल्हा राजा से भी मिलाएंगे। आखिर दुल्हा राजा कौन है? और आप नहीं अगर देख पा रहे हैं तो वीडियो में देख सकते हैं लगा हुआ है जो कि स्नेहा रॉय, वही स्नेहा रॉय है जो आप डीजे के ऊपर डांस करके वायरल हुई थी और काफी इनका नाम चल रहे थे पूरा बिहार में। अब देश प्रेमी के गाना था और स्नेहा रॉय शादी कर ली है और किसी को बताए नहीं है। क्या कुछ कहिएगा स्नेहा जी, आप शादी कर लिए, किसी को आप भोज भात नहीं खिलाए? भोज तो नहीं दिए हैं सच में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था इसके लिए मतलब शादी कर लिए हम लोग। देखिए प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था नहीं था? अच्छा लव मैरिज किया अरेंज मैरिज किया? अरेंज मैरिज। कैसे अरेंज मैरिज किया? अगर अरेंज मैरिज करते तो सबको बुलाते ना आप? नहीं, ये बोलते हैं कि खर्चा होता है अरेंज मैरिज, सबको बुलाने में कि वैसे नहीं होता है। लेकिन जो ऑडियंस को जब हमारे चैनल में बोले थे कि सबको बताएंगे, सबको बुलाएंगे, आप लोग सबको कहेंगे तो हम बता दे रहे हैं कि अभी हम अपना ससुराल नहीं गए हैं और नहीं जाएंगे, जब जाएंगे तो भोज करके जाएंगे और आप लोग को इनवाइट करेंगे। अच्छा मतलब भोज करेंगे? हाँ। लेकिन शादी तो आपको नहीं देख पाएंगे? शादी नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये शादी ना एक दिन में ही हुआ है, मतलब अचानक हो गया। तो घर पे हुआ कि कहाँ हुआ? मंदिर में हुआ। मंदिर में हुआ था। हाँ। आप देख सकते हैं स्नेहा रॉय है और शादी कर ली है और किसी को नहीं बताया है। और जिस प्रकार से इसको ऑडियंस करोड़ों लाखों व्यूअर्स देखने वाले हैं लेकिन बताए नहीं, ये दुख की बात है। और सब आप जितना भी ऑडियंस देख रहे हैं सब आपसे नाराज होंगे, जो कैसे ऑडियंस को मनाइएगा? जितने भी नाराज होंगे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और क्या बोलेंगे। और रहा बात ये कि शादी तो हमें खुद नहीं पता था कि आज मेरा शादी है, जिस रोज मेरा शादी था कि हमें खुद नहीं पता था कि मेरा शादी है। चार बजे पता नहीं था, लेकिन कुदक कुदक करके सारा सामान लाए हैं। बताते हैं, चार बजे पता चला कि आज मेरा शादी है और रात के 12 बजे शादी हुआ। अरे शादी हुआ मतलब जो आपकी ससुराल कहाँ पड़ता है? मेरा ससुराल केवटगांव है। केवटगांव। हाँ। अच्छा पति इनका आने से मना कर रहे हैं सोशल मीडिया? नहीं, वो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते हैं और हम खुद सोशल मीडिया पे हम किसी का हस्बैंड बन के नहीं काम करना चाहते हैं। हम एगो एक्टर बन के एक्ट्रेस बन के काम करना चाहते हैं, तो बस लड़की बन के काम करेंगे और हस्बैंड को क्या लाएंगे इस बीच में। अच्छा जो है कि आप सुनने में आए हैं कि एल्बम में भी कई एल्बम में काम कर चुकी है। हाँ, और आपका एल्बम भी आई है जिसमें डांस की है, रोल निभाई है। क्या आने वाले समय में और भी आपके एल्बम आने वाले हैं? हाँ, आएंगे यही अगला महीना में। और पटना से भी कॉल आया था कि मेरा एल्बम वहाँ पे भी शूट होगा। अच्छा पटना जाएगी? हाँ। अच्छा ये शादी आपका जो है कि हो चुकी है, आपकी सबके सहमति से हुआ है आपकी, फिर आप लोग जा करके इस मंदिर में शादी कर लिए? नहीं नहीं, मम्मी पापा सब थे वहाँ पे। अच्छा सबके साथ में जाकर? सबके साथ में शादी हुआ। और कुछ आप वीडियो लगा रहे हैं, आपको देख सकते हैं इस पे, जो यही वीडियो है जो इनका शादी का क्लिप है, जो शादी हुआ है मंदिर में जाकर की थी और इनका सबके सहमति से हुआ था। बाकी जो ऑडियंस जो नहीं आ पाए, जिनको नहीं बुलाए हैं, अगर कारण बताए तो दहेज था, एक दिन का शादी जो मतलब हुआ है वो कारण। और सबसे बड़ी बात क्या है, दहेज मुक्त मतलब शादी हुआ, कहीं दहेज नहीं लगा? नहीं, इसमें दहेज नहीं लगा और नहीं लगा है इसी के लिए शादी हुआ है, इसी वजह से शादी हो भी गया। अच्छा दहेज नहीं दी है? सरकार का कहना है कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है, तो बिल्कुल आज कहीं ना कहीं निभा करके बता दी है। और जो है कि स्नेहा रॉय और इनका पति एक तो बिल्कुल अपना बेटी देते हैं, ऊपर से दहेज कहाँ से देंगे? तो मतलब दहेज मुक्त शादी हुआ? हाँ, है दहेज मुक्त शादी हुआ है। अच्छा दहेज के खिलाफ है क्या आप? हाँ। अच्छा दहेज के खिलाफ? बेटी पालने में बहुत कष्ट। देखिए सबसे बड़ी बात है इसका पिताजी का दहेज लगता है इसलिए खिलाफ है, बाकी और भी लड़की को लगने नहीं देंगे। यही तो मतलब दहेज जो लगता है तो उसमें बहुत कहाँ से पैसा आते हैं आपको पता है, बहुत भीड़ से आते हैं। किसी के पास मान लीजिए जॉब नहीं है, मेहनत कमा करके मतलब पैसा जमा करते हैं, वो दूसरे को देते हैं, फिर बेटी भी देते हैं, वो तकलीफ आप देखते हैं पूरा। आपको स्नेहा रॉय लगेगा कि एकदम दुल्हन के जोड़ा में देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम हैंडसम बनी है और पूरा मेकअप करके तैयार है, मतलब शादी करके आ गई है। लेकिन मतलब जो कि किसी को पति तो सामने आना नहीं चाहता, आपके हस्बैंड जी नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आप ये कौन है आपके साथ में? फ्रेंड है। फ्रेंड आपके शादी में शामिल हुई थी? अच्छा आपका मतलब देखिए इसका जो घर का लोग हैं कहीं ना कहीं वो लोग अभी कैमरा के सामने नहीं आ रहे, लेकिन हाँ कि बहुत खुश नजर आ रहे हैं स्नेहा शादी करके और बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुआ है। अच्छा कितना दहेज भेज दिए थे शादी हुआ है तो? कुछ नहीं दिए हैं। बिल्कुल नहीं दिए हैं? अच्छा पति मान गए, आपका हस्बैंड मान गए बिना दहेज का? अरे हस्बैंड माने हैं तभी तो शादी हुआ ना। अच्छा ससुर जी सास सब मान गए हैं? सब मान गए हैं। अच्छा चलिए बाकी आप क्या अंदरली क्या है वो तो बताना नहीं चाहते हैं स्नेहा? अरे ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बता
बता दिए। मेरे सास ससुर दहेज के लिए ये नहीं कि टॉर्चर किए हैं, दहेज चाहिए नहीं चाहिए ये सब कुछ नहीं बोले हैं, बस उसे मतलब एक बहू चाहिए था, वो मिल गया। बहू मिल गया। हाँ। चलिए भोज कब खिला रही है? 2026 में अपना ससुराल जाएंगे। 2026 में जाएगी? अच्छा, तब तक यही रहोगी? तब तक यही रहेंगे। अच्छा, क्या मतलब अभी आपको एल्बम उल्बम में काम करना है आपको? इसीलिए हम ससुराल नहीं जाना चाहते अभी और नहीं जाएंगे। चलिए, तो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है ये जो है, स्नेहा रॉय का शादी हुआ और बगैर किसी को बताए सोशल मीडिया पर आए चुरा नुका करके शादी कर ली, किसी को भोज नहीं खिलाई। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज एक स्नेहा रॉय जिस प्रकार से लोगों को कहती थी कि हम शादी करेंगे, सबको बुलाएंगे, सबको दिखाएंगे, इन्विटेशन देंगे, कार्ड देंगे, लेकिन कुछ नहीं, बिल्कुल चुपचाप चुपके शादी कर ली, देख सकते हैं। बाकी और आपका इसका पूरा इंटरव्यू आने वाले हैं हम तक न्यूज और हम तक एक्सप्रेस पे, आप लोग जरूर देखिएगा और बने रहिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए। हम तक न्यूज पे काफी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, स्नेहा रॉय की कैसे शादी हुआ, क्यों जितना जल्दी कर ली, कैसे, सब कुछ आपको हम तक न्यूज पे मिलेगा, फेसबुक पेज पर और हम तक एक्सप्रेस यूट्यूब पर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।